नमस्ते आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारे चैनल पे आए हैं आप, इसका मतलब आप बिल्कुल अच्छे ही होंगे। स्वागत करते हैं आपका फिर से एक बार आपके पसंदीदा हिंदी चैनल हिंदी एजु सपोर्ट पर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक एमएसटी सीईटी रिजल्ट 2018 के बारे में जानकारी। आप यहाँ पर देख सकते हैं सीईटी रिजल्ट 2018 कब निकलने वाला है। जैसा कि डीटीए के ऑफिशियल अपडेट के अनुसार बहुत ही जल्द 3 जून के पहले ही डीटी महाराष्ट्र सीईटी 2018 रिजल्ट डिस्प्ले करने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि इस साल के लिए एमएसटी सीईटी 2018 के लिए डीटी ने रिजल्ट की तरफ अपनी वॉच की सुई जो है वो बढ़ानी शुरू कर दी है। बहुत ही जल्द आप अपना एमएसटी सीईटी रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है, एमएसटी सीईटी एग्जाम 10 मई 2018 को आयोजित की गई थी, जिसका रिजल्ट 3 जून 2018 को या उससे पहले घोषित किया जाएगा। एमएसटी सीईटी 2018 एग्जाम के लिए 18 जनवरी 2018 से 25 मार्च 2018 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन स्वीकार किए गए थे डीटीए महाराष्ट्र वेबसाइट पर। उसी प्रकार जितने भी छात्रों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, उनके एप्लीकेशन को कन्फर्मेशन और करेक्शन करने की जो तिथि डीटी महाराष्ट्र द्वारा दी गई थी वह थी 26 मार्च 2018 से 4 अप्रैल 2018, जिसमें आपको एडिशनल फीस भी सबमिट करनी थी, एडिशनल फीस भी पे करनी थी, जिसमें अगर आप लेट हो जाते हैं तो लेट फी भी इंक्लूड की गई थी। रही बात दूसरी एडमिट कार्ड इश्यू करने की, डीटी महाराष्ट्र ने एमएसटी सीईटी एडमिट कार्ड को 24 अप्रैल 2018 से 10 मई 2018 तक हर कैंडिडेट जिन्होंने एमएसटी सीईटी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था, ऑनलाइन एप्लीकेशन किया था, उनके लॉगिन में 10 मई 2018 तक अपने हॉल टिकट जारी कर दिए थे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एमएसटी सीईटी की एग्जाम 10 मई 2018 को हुई थी। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो भी थे वह सभी आपके एडमिट कार्ड पर इंडिकेट किए गए थे। डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, एमएसटी सीईटी का रिजल्ट जो भी है वह 3 जून 2018 से पहले जल्दी डिक्लेयर होने वाला है, मतलब कल या परसों डिक्लेयर होने जा रहा है। जैसा कि आपके जानकारी के लिए आपको बता दे, प्रोविजनल आंसर की जो है एमएसटी सीईटी 2018 की वह 25 मई 2018 को ही पहले ही जारी कर दी गई है। अगर आपको इसमें कोई ऑब्जेक्शन है तो आप 25 मई 2018 से 27 मई 2018 तक ऑब्जेक्शन ले सकते थे। तो दोस्तों, स्कैनेड ओएमआर आंसर शीट्स की भी तारीख जारी कर दी गई थी जो 26 मई 2018 से 7 जून 2018 तक थी। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं एमएसटी सीईटी रिजल्ट 2018 कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले आपको हिंदी में पढ़े.com एमएसटी सीईटी रिजल्ट चेक ऑनलाइन इस लिंक पर क्लिक करना है। हमने यह लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। सबसे पहले आपको उस लिंक पर क्लिक करना है और हमारे इस वेब पेज पर आना है। सबसे पहले नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, जब अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आपको जानकारी दिखाई देगी एमएसटी सीईटी रिजल्ट 2018 चेक कैसे करें। सबसे पहले आपको एमएसटी सीईटी 2018 ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करना है। आप सीधे डीटी महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किए जाएंगे। डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन महाराष्ट्र स्टेट मुंबई यह अथॉरिटी है जो एमएसटी सीईटी 18 कंडक्ट करती है, आयोजित करती है। एमएसटी सीईटी अलग अलग प्रकार की होती है, जिसमें आप बी बीटेक एंड बीफार्म फार्मडी कोर्सेज जैसे बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर बीएससी जैसे और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं जिसके लिए सीईटी एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है। तो दोस्तों, जैसे ही आप डीटी महाराष्ट्र के ऑफिशियल वेबसाइट पर एमएसटी सीईटी रिजल्ट चेक करने के लिए आएंगे तो आपको सीधे यहाँ पर ही होम पेज पर ही आपको लिंक दिया जाएगा। यहाँ पर लिंक दिया जाएगा, वह आपको एमएसटी सीईटी 2018 पर क्लिक करना होगा। एमएसटी सीईटी 2018 लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपना रोल नंबर एंटर करना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपका एमएसटी सीईटी रिजल्ट 2018 आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आशा करते हैं आपको आज का वीडियो बेहद ही पसंद आया होगा और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि एमएसटी सीईटी 2018 में आपको कट ऑफ से 100% पूरे अंक आए। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की एडमिशन रिजल्ट और भी बहुत सी एजुकेशन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।